सभी किसान भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि आने वाली 14 जून को, जो कि परसों मंगलवार के दिन, लाइट की समस्या को लेकर विद्युत विभाग से परेशान होकर के किसानों द्वारा 14 जून को एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रखा गया है, जो कि मुख्य रूप से समस्या मात्र लाइट कृषि क्षेत्र में 4 से 4.5 घंटे, गाँव में अघोषित कटौती, कोई पता नहीं 5 घंटे कट जाती है, 7 घंटे, 10 घंटे, जो कि विद्युत विभाग द्वारा एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है, जिसमें आपने देखा होगा शहर में कहीं लाइट कटती है तो दूसरे दिन अखबार में आ जाती है कि इस क्षेत्र में, इस कॉलोनी में 1 घंटा 2 घंटा लाइट की कटौती रहेगी। लेकिन गांव वालों को इन्होंने पशु के समाज, ग्रामीण को इन्होंने पशु के समाज समझ रखा है, किसी भी प्रकार के ये लायक नहीं समझ रहे हैं कि गांव में कोई इंसान रह रहे है। क्या आप विद्युत विभाग का बिल नहीं भरते? क्या आप पैसे नहीं भरते? आप जब चुप बैठोगे, जब तक खुलकर सामने नहीं आओगे, आप मालिक हो, आप देख लेना, हर चीज़ पे आप टैक्स भरते हो, हर चीज़ पे आप टैक्स देते हो, कपड़े से लेकर के, जूते से लेकर के, किसी भी तरीके की चीज़ है जिस पर आप टैक्स भरते हो, और जो ये अधिकारी बैठे हैं उनकी तनख्वाह है, जो वो पैसे आपके हैं, आप मालिक हो, ये मालिक नहीं है। आप इन अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहे हो, बोलना सीखो आप, और जवाब तलबी कीजिए इनसे, ये कोई किसी के मालिक नहीं है, मालिक आप हो, जनता मालिक है। इस कारण मेरा आपसे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि 14 जून को चांदन बिजली घर के सामने, सहायक अभियंता कार्यालय के सामने किसानों द्वारा एक बहुत बड़ा महापड़ाव रखा गया है, जिसमें आप सभी जो किसान शब्द से ताल्लुकात रखता है, जो किसान है, उन सभी से मेरा हाथ जोड़कर पुनः निवेदन रहेगा कि यदि अब नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागोगे, यदि आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो आने वाली, अभी तो खरीफ की फसल चल रही है, लेकिन रबी में आने वाली मात्र अभी 4 घंटे दे रहे हैं, फिर 3 घंटे कर दी जाएगी। पहले भी आपने देखा 12 घंटे से 8 घंटा, 8 से 6, 6 से 4 पे आ गए हैं, और अन्य भी पानी की समस्याएं इस क्षेत्र में आपने देखा होगा, जिससे गायें, जो हमारी गौ माता है, वो मरने लग गई है, पानी नहीं है, बहुत ही बड़ी पानी की किल्लत।